हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन यूट्यूब। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में पिक्चर, क्लिप आर्ट, स्क्रीनशॉट और फोटो एल्बम इंसर्ट कर सकते हैं और उसके रिगार्डिंग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले हम अपने सभी फ्रेंड से रिक्वेस्ट करते हैं कि कंप्यूटर लर्निंग चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली और भी एडवांस वीडियो से आप एडवांस फीचर सीख सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रोग्राम ओपन करेंगे, उसके बाद इमेजेस को इंसर्ट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का जो सेकंड टैब होता है इंसर्ट, इस टैब पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो इसका सेकंड ब्लॉक होगा वो इमेज का होगा, जिसमें पिक्चर, क्लिप आर्ट, स्क्रीनशॉट और फोटो एल्बम ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले हम पिक्चर ऑप्शन को समझते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले पिक्चर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जब हम पिक्चर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप अपने कंप्यूटर से जो भी पिक्चर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की स्लाइड पर इंसर्ट करना चाहते हैं उसे आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको इंसर्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे वो पिक्चर आपकी स्लाइड पर इंसर्ट हो जाएगी। इंसर्ट करने के बाद जैसे ही आप इंसर्ट करते हैं आपके पास एक नया टैब एक्टिवेट हो जाएगा जो कि फॉर्मेट के नाम से होगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप जो पिक्चर इंसर्ट करते हैं उसे फॉर्मेट कर सकते हैं। अब फॉर्मेट में आप क्या क्या कर सकते हैं ये हम आपको बताते हैं। जब आप फॉर्मेट टैब पर क्लिक करेंगे तो इसमें एक ऑप्शन होगा आपके पास रिमूव बैकग्राउंड का। अगर इमेज में कोई बैकग्राउंड है तो आप यहां से रिमूव कर सकते हैं। हम इस पर क्लिक करके बताते हैं आपको, ठीक है। और इसमें एक हल्का हल्का बैकग्राउंड है जो आपको डिफरेंट कलर का दिखाई दे रहा है, और एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कीप चेंज, तो आप कीप चेंज पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये जो बैकग्राउंड था हमारा डिलीट हो चुका है, ठीक है। आप चाहें तो कंट्रोल जेड का यूज़ करके फिर से ला सकते हैं, अंडू कर सकते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इसमें करेक्शन। करेक्शन में यहाँ पर अलग अलग, ठीक है, आप देख रहे हैं कुछ कलर दिख रहे हैं आपको, शेड हल्के लाइट, ठीक है, जो ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट के दे रखे हैं तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद पास में जो नेक्स्ट है कलर ऑप्शन दिया गया है, कलर ऑप्शन का यूज़ करके आप डिफरेंट कलर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आर्टिस्ट इफेक्ट दिया गया है, तो ये अगर आप ये भी देना चाहें तो दे सकते हैं। अगर आपको ये कुछ भी नहीं रखना है तो यहाँ पर एक रीसेट पिक्चर ऑप्शन दिया गया है, इसका यूज़ करके आप अपनी ओरिजिनल पिक्चर वापस ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक कॉम्प्रेस पिक्चर दिया गया है, ठीक है। कॉम्प्रेस पिक्चर का यूज़ उस समय जब यूज़फुल होता है जब आप अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड में फ़ोटो इंसर्ट करते हैं और वो फ़ोटो आपके मोबाइल से कैप्चर किए गए हों, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो मोबाइल आप यूज़ करते हैं उनमें जो भी इमेज आप कैप्चर करते हैं उनकी साइज बहुत काफ़ी होती है, और जब आप फाइल को सेव करेंगे तो फाइल की साइज़ भी काफ़ी बढ़ जाएगी, और जब आप किसी को इसको सेंड करेंगे तो फाइल की साइज बड़ी होने के कारण आपको सेंड करने में भी प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आप यहाँ से किसी भी पिक्चर को सिलेक्ट करके यहाँ पर कॉम्प्रेस पिक्चर भी कर सकते हैं। इसका कैसे करना है हम आपको बता देते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स की विंडो ओपन होगी कॉम्प्रेस पिक्चर की, आपको बस ओके ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपकी पिक्चर कॉम्प्रेस हो जाएगी, जिससे साइज आपकी रिड्यूस हो जाएगी पिक्चर की। उसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास चेंज पिक्चर। इस ऑप्शन का यूज़ करके आपकी जो प्रेजेंट पिक्चर आपने इंसर्ट करी है उसकी जगह आप दूसरी पिक्चर भी रख सकते हैं, तो चेंज पिक्चर पर क्लिक करेंगे और आप इसमें जो भी पिक्चर सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं और इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, जिससे क्या होगा वो पिक्चर आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद सेंटर में पिक्चर स्टाइल दी गई है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी स्टाइल दी गई है, आप जो भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद में पास में एक ऑप्शन दिया गया है पिक्चर बॉर्डर का, तो आप यहाँ से बॉर्डर का यूज़ कर सकते हैं, जो भी कलर आप चूज़ करना चाहें। पिक्चर इफेक्ट दे सकते हैं आप, यहाँ पर अलग अलग टाइप के दिए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पर पिक्चर लेआउट भी दिया गया है, ठीक है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो, और अगर नहीं करना चाहें तो आप नहीं भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कुछ अलाइन ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। अलाइन ऑप्शन से क्या होता है कि आपकी जो पिक्चर है आप अपनी स्लाइड पर अलाइन कर सकते हैं, जैसे लेफ्ट साइड में आप रख सकते हैं, सेंटर में रख सकते हैं और राइट में रख सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसी के अलावा इसमें कुछ वर्टिकल अलाइनमेंट भी होते हैं, जैसे अलाइनमेंट टॉप, आप पिक्चर को टॉप में ले जा सकते हैं, मिडिल में रख सकते हैं और बॉटम में भी रख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन से अलाइनमेंट का यूज़ करना चाहते हैं।
उसके अलावा एक ऑप्शन है आपके पास सिलेक्शन पेन। जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो राइट साइड में आप देखेंगे कि पिक्चर फोर यहाँ पर दिखाई दे रहा है और एक आई का साइन दिखाई दे रहा है, आपको आइकॉन दिखाई दे रहा है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर क्या होगी, हाइड हो जाएगी आपकी स्लाइड से, और दोबारा जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर फिर से विजिबल मतलब दिखाई देने लगेगी। ठीक है, और हम इसके रिलेटेड ऑप्शन आपको बताते हैं। आप इसको हटाना चाहते हैं सिलेक्शन पेन को, तो इस पर दोबारा क्लिक करके इसे हटा भी सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रोटेट का। रोटेट पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, पिक्चर को रोटेट भी कर सकते हैं, या आपके ऊपर आप कितना रोटेट करना चाहते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक ग्रुप ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रहा है। ग्रुप बनाने के लिए हमें कम से कम दो पिक्चर की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम एक पिक्चर और इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये दो पिक्चर हो चुकी हैं हमारी। इन दोनों की साइज हम लास्ट में हाइट और विथ ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से कम कर सकते हैं। यहाँ से हम हाइट कम कर देते हैं इसकी, ठीक है, और इसकी भी हाइट हम कम कर देते हैं। ठीक है, हमने दोनों पिक्चर की जो है थोड़ी थोड़ी हाइट कम कर दी है। अब दोनों पिक्चर का अगर ग्रुप बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, दोनों पिक्चर को सिलेक्ट करना होगा। दोनों पिक्चर को सिलेक्ट करने के लिए आपको पहले कीबोर्ड से शिफ्ट बटन प्रेस करना है और फिर सेकंड पिक्चर पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप ग्रुप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ग्रुप पर क्लिक करेंगे, जिससे क्या होगा कि दोनों पिक्चर का एक ग्रुप बन जाएगा। उसके बाद जब आप इसको मूव करेंगे तो दोनों पिक्चर एक साथ मूव होती है। ठीक है, और आप अनग्रुप करना चाहते तो उसी ग्रुप ऑप्शन पर क्लिक करके अनग्रुप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मेट के ऑप्शन थे जो कि आप पिक्चर पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो नेक्स्ट ऑप्शन है पिक्चर में क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो राइट साइड में एक क्लिप आर्ट विंडो खुलेगी, जिसमें सर्च फॉर में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, केवल आप गो पे क्लिक कर दीजिए। जब आप गो पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी क्लिप आर्ट है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। आपको क्या करना है, जो भी क्लिप आर्ट आप इंसर्ट करना चाहते हो उस पर आपको केवल क्लिक करना है। क्लिक करने से क्या होगा, वो क्लिप आर्ट आपकी पावर पॉइंट की स्लाइड पर इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, इंसर्ट करने के बाद वही फॉर्मेट टैब फिर से एक्टिवेट रहता है। इसके रिगार्डिंग आप जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहें यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ऑप्शन आपको बताते हैं स्क्रीनशॉट के बारे में। पर स्क्रीनशॉट के बारे में जानने से पहले आप एक काम करिएगा कि सबसे पहले कोई भी ऐसा प्रोग्राम ओपन करके रखिए जिसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप स्क्रीनशॉट पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट मिनिमाइज़ हो जाता है। उसके बाद आपको बोलता है कि आप पिक्चर को सिलेक्ट करिए, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हम आपको बताते हैं। पहले हम अपनी कुछ इमेज को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब हम आपको स्क्रीनशॉट के बारे में बताते हैं कैसे यूज़ करना है। जब आप स्क्रीनशॉट पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्क्रीन क्लिपिंग का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करेंगे तो आपका माउस का पॉइंटर एक ब्लैक प्लस में दिखाई देगा। आपको केवल पिक्चर को सिलेक्ट करना है इस तरह से, और माउस का लेफ्ट बटन छोड़ देना है। ठीक है, जिससे वो पिक्चर क्या होगा, आपकी जो स्लाइड है उस पर इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इस ऑप्शन का यूज़ आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फ़ोटो एल्बम का। इस पर क्लिक करेंगे और न्यू फ़ोटो एल्बम पर क्लिक करेंगे। न्यू फोटो एल्बम पे क्लिक करके हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में फ़ोटो एल्बम भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास पर्सनल इमेजेस है, अपने फैमिली फ़ोटो है, तो आप फ़ोटो एल्बम आसानी से पावर पॉइंट में बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इंसर्ट पिक्चर फॉर्म दे रखा है फाइल और डिस्क, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको केवल पिक्चर्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, आप जो भी पिक्चर चाहें तो इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर आपको पिक्चर सेलेक्ट करके इंसर्ट करके बताते हैं। ठीक है, ये एक पिक्चर हमने सेलेक्ट करी है, ऐसे आप दूसरी पिक्चर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप जितनी भी इमेज चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो पिक्चर आपने सेलेक्ट करी है वो सारी पिक्चर एक एक स्लाइड पर अप्लाई हो चुकी है। तो इस तरह से क्या है कि आप अपनी स्लाइड को फोटो एल्बम में बदल सकते हैं। ठीक है, तो डियर फ्रेंड, आज के टॉपिक में हमने सीखा कि किस तरह से हम इमेज को माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हैं।
अगर आपको हमारी भी बनाई हुई वीडियो यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अन्य फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे कंप्यूटर लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली और भी एडवांस वीडियो से आप एडवांस ऑप्शन सीख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन YouTube।